नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज सिंचाई विभाग की नहर हुई चौक। पहली बरसात में ही अपर बेगुल नहर नदी चौक हो गई और नहर का सारा पानी इलाके के किसानों के खेतों से होकर बहने लगा, जिससे किसानों की पूरी फसल ही बहकर चौपट हो गई। वहीं खेतों में बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई। सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही के बाद किसान ने खुद ही जेसीबी लगवा कर सफाई कराई। किसानों में विभाग के प्रति गुस्सा है, उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार बरुआ बाग से होकर शुक्ला प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली अपर बैगुल नहर पहली ही बरसात में चौक हो गई, जिससे नहर का सारा पानी क्षेत्र के किसानों के खेतों में बहने लगा, जिससे उनकी पूरी फसल ही नष्ट हो गई। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से जो नहरों की सफाई नहीं हुई है, इस वजह से आके नदी का जो कचरा फाटक में आके बंद हो गया और नहर का पानी जो है सब खेतों में जाके खेत बह गए और उसमें धान की फसल बर्बाद हो गई। 20-25 एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। ये सिंचाई विभाग की लापरवाही है और ये हर एक बरसात में ही ऐसा होता है। ये पूरा इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसमें जो नदी में पानी छोड़ा गया है, कल रात अचानक पानी छोड़ दिया, ये सबसे ज़्यादा लापरवाही सिंचाई विभाग की। इनसे कई बार कहा गया कि आप नहर की सफाई कराइए, इन नहर की सफाई ना करा के पानी एकदम छोड़ दिया, जिससे जो नदी में कचरा भरा हुआ था वो आके फाटक पे बंद हो गया और फाटक बंद होने की वजह से वो पानी ऊपर खेतों की तरफ चढ़ गया, जिससे हमारा 2-2.5 एकड़ का नुकसान हो गया है। पूरी मिट्टी बह गई खेतों की और ये सबसे ज़्यादा लापरवाही सिंचाई विभाग की रही है। इसमें टीम जो है ये हम लोगों ने गाँव वालों ने मिलकर मंगाई है, नदी की सफाई हम लोग करवा रहे हैं। सिंचाई विभाग ने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमारे खेत के साथ साथ और भी लोगों के नीचे जो खेत है उनका भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। अगर वैसे देखा जाए तो कम से कम 20-25 एकड़ नुकसान हो गया है इस जगह का।